नमस्कार किसान साथियों, मैं एमएल गोदारा फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गोदारा फार्मिंग पर। किसान भाई, अभी जो आप ये जीरा देख रहे हैं ये लगभग 47 दिन को हो चुका है और 50 दिन होने पर जो हम तीसरा पानी इसमें स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही होगा, जब हम तीसरा पानी जीरे की फसल में देते हैं और अच्छा विकास के लिए और ज़्यादा उत्पादन के लिए, और आपको किसान भाइयों पता ही होगा, जब हम तीसरा पानी देते हैं तो उसके साथ में हम जो है खाद फर्टिलाइज़र वगैरह देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको जीरे की फसल में सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा उत्पादन चाहिए, तो आपको मैं आज तीन चीज़ के बारे में बताऊंगा। जब आप तीसरा पानी देते हो 50 दिन होने पर, तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ पानी से पहले तीन चीज़ डालनी है। वो खाद फर्टिलाइज़र है, वो किस तरीके से कैसे डालनी है, और ये डाल के आप फिर रिजल्ट देखिए। और अब तीसरा पानी देने के तुरंत 10 या 15 दिनों बाद जो है जीरे का रिजल्ट आप देखिए, आपके सामने रिजल्ट होगा। और किसान भाइयों, कम समय में, कम दिनों में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा हाइट कैसे बढ़ाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लाए, तो वीडियो जो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप जीरे की खेती करते हैं और सफल खेती करना चाहते हैं और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आपको जीरे से संबंधित ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, जैसे हम पहले मैंने वीडियो भी बना रखा था जिसमें तीन पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा जो है जीरा उगाने के लिए पूरी तरीके से अंकुरित नहीं होता है, तो वो पानी तो दोस्तों नहीं गिना जाता है। परंतु दोस्तों, ये जो है तीसरा पानी गिना जाएगा जब हम 50 दिन का जीरा हो जाता है। जैसे इसमें हमने खरपतवार वगैरह सब कुछ जो है वो कम्प्लीट कर दिया है हाथों से दोस्तों, जो खरपतवार हमने निकाल दिया जीरे में। अभी जो है 50 दिन होने पर जो हम इसमें खाद फर्टिलाइज़र वगैरह देकर उसमें तीसरा पानी देंगे। तीसरा पानी देते वक्त आपको कौन सी खाद फर्टिलाइज़र वगैरह देना है, आज का टॉपिक वही मेन है। उसके बाद में पानी देने के बाद में अगर हमें चौथे पानी की अगर ज़रूरत पड़ी, हमें लगता है कि हाँ इसमें जो है चौथा पानी देना ज़रूरी है, तो हम जो है चौथा पानी देंगे। अगर इसमें हमें खतरा लगता है कि जीरे की फसल को खतरा हो सकता है चरमा या झुलसा रोग होने का, तो आप जो है पानी नहीं दे सकते। तो तीन पानी पर ही जीरा जो पककर तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा खतरा नहीं तो आप पानी दे सकते। क्योंकि दोस्तों, चार पानी का जीरा और तीन पानी का जीरा है उसमें बहुत सारा फर्क होता है। आपको उत्पादन है वो चार पानी देने पर ज़्यादा दिखाई देगा, तो इसलिए आप चार पानी भी दे सकते हैं। तो अभी जो ये जीरा और इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है 47 दिन हो चुके हैं। तो अभी हम जो है इसमें पानी की तैयारी कर रहे हैं तीसरा पानी देने पर। इससे पहले हमने जो है खाद फर्टिलाइज़र वगैरह छिड़काव कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आप छोटे छोटे दाने देख रहे हैं, ये आपको यूरिया जैसे नज़र आते हैं, ये तो यूरिया है। उस पर हमने लेप किया है जिसलिए ये पीला हो गया है। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र खाद है वो हमने दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये तीन चीज़ है जब आप तीसरा पानी देते हो जीरे में। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो जो यूरिया, ये तो आपको पता ही होगा और हम जो है हर फसल में देते हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई, और सेकंड चीज़ है दोस्तों ये जिंक प्लस। ये किसान साथियों हर स्टेट में, हर राज्य में नहीं मिलेगा, ये जो है खासकर गुजरात से मिलता है, तो हमने गुजरात से लाया है। ये जो है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है। इसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो हमें जीरे की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और हम जो है हर साल इसे यूज़ भी कर सकते हैं। आप किसान भाइयों, कोई भी कैसी भी कंपनी का हो वो चलेगा। सबसे पहले इसमें जो है पोषक तत्व है वो देख लीजिए। ये जो 1 2 3 4 5 ये पोषक तत्व है, ये बहुत ही होना ज़रूरी है, कोई भी आप कंपनी का ले, परंतु ये ज़रूर देखें। अगर इसमें ये सब कुछ है तो आप ऑलरेडी आराम से ले सकते हैं। ये आप एक एक करके देख लीजिए, लो, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और बोरॉन, ये हो गई दूसरी चीज़। और इसी के साथ में तीसरी चीज़ जो मिक्स करके डालनी है वो है दोस्तों ये सल्फर, 85% डीपी फंगीसाइड जो कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है, ये दोस्तों इसके साथ में ज़रूर डालें। क्योंकि दोस्तों ये जो सल्फर है ये गर्मी पैदा करता है। जब हमारा जीरा बड़ा हो जाता है तो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, दाने के जो स्टेज में होता है, तब ऊपर से जो ओस गिरती है तो उस ओस को जो है ये ख़त्म कर देता है पौधे में और ज़मीन में जो है गर्मी पैदा करता है। तो हमारे जो जीरे में जैसे चरमा हुआ, झुलसा हुआ आदि रोगों से जो है होने का खतरा कम हो जाता है।
तो किसान साथियों, यही कुछ थी साधारण जानकारी जो आप अपनी जीरे की फसल में तीसरा पानी देने से पहले इस तरीके से आप खाद फर्टिलाइजर वगैरह डाल के जो है अपने जीरे को अच्छी पैदावार और अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसके डोज की बात करें तो जो है डोज जो तो हमारे यहाँ पर डोज है जो इस तरीके से हम देते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है इसको दे सकते हैं। और किसान साथियों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और बाकी किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।